दोस्तों आज हम इतने बड़ा पंचर लगाने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना बड़ा पंचर लगाने के लिए है। सबसे पहले हम इसको रेगमाल से घिस लेंगे। ऐसा रेगमाल आपको किसी भी दुकान पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसको घिसते जा रहे हैं घिसते जा रहे हैं। जब तक ये बिल्कुल साफ ना हो जाए तब तक आपको ये घिसते जाना है। देखिए हम यहाँ पे घिसते जा रहे हैं और खूब अच्छे से घिसना है। जब तक ये पहले का पंचर लगा हुआ है तो जब तक ये सब व्हाइट कलर का जो भी रबड़ है ये साफ ना हो जाए तब तक आपको घिसते रहना है। जैसे हम इसको घिसते जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे करके सही होते जा रहे हैं, यानी कि ब्लैक कलर का निकलते जा रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो इसको ऐसे ही आपको साफ कर देना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने पूरी तरह से इसको साफ कर लिया है। यहाँ पे आपको इसी तरह से साफ कर देना है, बिल्कुल साफ। जैसे कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर का था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके बाद आपको सुई और धागा लेने के बाद आपको ये यहाँ पे कोई भी कलर का सुई और धागा ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्वालिटी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा जल्दी टूटना नहीं चाहिए। और आप इसको सिल सकते हैं सिलाई सुई और धागे से। देखिए जिस तरह से हम सिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप यहाँ पे किसी भी तरह से इसको सिल दें, ज्यादा दूर दूर नहीं, गैप गैप जो है इसका ज्यादा दूर दूर नहीं देना है, पास पास इसका गैप देना है, जिससे कि ये आसानी से जॉइंट बना सके, इसकी पकड़ अच्छी हो सके। देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया है और सिलने के बाद हम इस पर और भी ज्यादा सिल देते हैं मजबूती से। और उसके बाद आप यहाँ पे सिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें गांठ लगा देना है। गांठ ऐसा लगाना है कि जो हम इसमें ट्यूब लगाएंगे और रबड़ लगाएंगे, इसमें टकरी कहते हैं टिकरी, उसको लगाएंगे, जो पैच लगाएंगे वो इसमें छूटे ना, कोई भी लीकेज ना हो। इस तरह से आपको इसको सिल देना है। देखिए यहाँ पे हमने सिल दिया है, कम्प्लीट हो चुका है सिलने का काम है। यहाँ पे हम गांठ लगाने के बाद इस धागे को जो सुई में है सुई को निकाल देंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको मैं काट दूंगा। अभी मैंने काटा नहीं हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको तान के दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसमें रबड़ का पैच बनाया है ट्यूब का काट के, और मैं इसका ट्यूब का काट के आपको दिखा दूंगा। नाप के पहले सबसे पहले तो आपको नाप कर लेना है इसका, इसको आपको नाप लेना है। उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको इसको भी घिस लेना है। घिसने के बाद इसको भी इसी तरह से घिसना है कि ये भी ब्लैक हो जाए, तब तक आपको घिस लेना है। और आपको यहाँ पे साइकिल का ट्यूब यूज का इस्तेमाल करना है, आपको मोटर साइकिल का ट्यूब नहीं लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन लगा के, सबसे पहले तो आपको ट्यूब पर सोल्यूशन लगाना है, जो आपकी ट्यूब है उस पर सोल्यूशन लगाना है और पूरे में फैला देना है। जितना बड़ा आपका जो पंचर है उतना भी उससे थोड़ा ज्यादा एरिया में फैला देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फैला देता हूँ तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसे पूरे में करता जा रहा हूँ। इस तरह से ही आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसा करना है कि ज्यादा मोटा ना हो, आपको पूरे में फैला देना है। जैसा है सिर्फ एक लेयर बन जाए इतना आपको कर देना है। और इसको मैं भूख मार के मैं इसको सुखा लेता हूँ। वैसे मेरे ऊपर देखो पंखा चल रहा है, उससे भी ये सूख जाता है। और यहाँ पे मैं इसको सुखा लेता हूँ। इसके बाद आपको जो अपने ट्यूब बनाई थी, ट्यूब के जो पैच बनाई थी उस पर आपको लगा देना है सोल्यूशन। इस पर भी एक लेयर लगानी है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ एक लेयर। इसके बाद मैं इसको पूरे में फैला देता हूँ। फैलाने के बाद आपको क्या करना है कि ये मैंने फैला दिया, इसको भी आपको सुखा लेना है। तो अभी मैं इसको सुखा देता हूँ। सुखाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सुखा देता हूँ। सुखाने के बाद आपको ये टिकरी जो है उठानी है। उठाने के बाद इसमें ज्यादा देखना है कि कोई गंदगी ना हो, कोई कूड़ा कचरा ना हो। तो इसके बाद आपको ये लगा देना है। देखिए ये एक आपको जैसे बड़ा पंचर है ये, तो इसको सीध में मिलाना जरूरी है। अगर आप सीध में नहीं मिलाएंगे तो बीचों बीच में नहीं आ पाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको बीचों बीच में लगाने के लिए इसका एकदम मिलान कर लें, और इसमें देखें कि कूड़ा ना हो, कोई गंदगी ना हो, एकदम बढ़िया तरीके से आपको लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पंचर को लगाने के बाद आपको इसको टोक लेना है, पीट लेना है, ये दब जाए पूरी पकड़ मजबूती से बना पका सके। मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने इसको ठोक लिया है, पीट लिया है। यहाँ पे देखिए मैं इस पे रख कर इसको पीटने वाला हूँ। तो अभी ये पार्ट जो था नहीं बन पाया यहाँ पे, और मैं इसको बनाने वाला था लेकिन नहीं बन पाया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया यहाँ पे पीटने वाला पार्ट।